नहीं करे चोरी फिर भी दोष लगाती है। इस गोकुल में गोकुल नगरी में मुझे रहना नहीं है। आज गोकुल नगरी को छोड़ करके भगवान श्याम सुंदर वृंदावन नगरी के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। वृंदावन में जाने लगे हैं। जब वृंदावन में मेरे भैया जाते हैं, सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किया है और नंद बाबा को लेकर के मैया यशोदा को लेकर के गोपियों को लेकर के इधर वृंदावन नगरी में पहुंचे। जब वृंदावन नगरी में पहुंची तो क्या होता है, वृंदावन नगरी में जाकर के भगवान श्याम सुंदर रहते हैं बड़े आनंद के साथ में और बलराम भैया हैं। बलराम गायों को चराने के लिए जाते हैं तो एक दिन कहने लगे हैं कि मैया बड़े भैया बलराम गाय को चराने के लिए जाते, मैया अगर मुझे कृपा हो जाए, अगर तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए मैया तो मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी, बेटा तुम अभी छोटी हो और बलराम भैया ने थोड़े बड़े हैं, तो बलराम गाय को चराने के लिए जाते हैं और तुम बेटा अभी छोटे हो, कुछ बड़े हो जाओ और तब तुम गाय को चराने के लिए जाना। कहने लगे, नहीं नहीं मैया, मैं गाय को चराने के लिए जाऊंगा। आज मैया को बताते हैं, इधर भगवान श्याम सुंदर खरक से गाय खोली और खरक से गाय खोल करके गायों को चराने के लिए जाते हैं। जब गाय को चराने के लिए जाते हैं तो इधर भगवान श्याम सुंदर ने बंसी ले ली और बंसी ले करके गाय को चराने के लिए जाते, बंसी बजाने लगे, गाय चर रही है। गाय उस बंसी की धुन में इतनी लीन हो गई है, गाय मैया और गाय और बछड़े चर रहे हैं और भगवान कन्हैया बंसी बजाने लगे हैं। इधर भोजराज कंस ने बकासुर राक्षस को भेजा है और बकासुर राक्षस को भेजा, इधर भगवान कन्हैया बंसी में लीन है। कैसे बंसी बजा रहे हैं, क्या हुआ?